अंतर्राज्यीय समझौते को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आगामी 5 जून को 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नई दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें किशाऊ परियोजना के प्रस्तावित अंतर्राज्यीय समझौते को लागू करने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों की पूरी तरह से पैरवी करेंगे। आपको बता दें कि इस मीटिंग में केसाऊ बांध का निर्माण करना, दादूपुर से हमीदा हैंड न्यू लिंक चैनल का निर्माण, सरस्वती नदी का कायाकल्प और हेरिटेज विकास परियोजना, बिजली पर सेस लगने जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। दरअसल चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई अहम मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए सिंचाई योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, नगर एवं ग्राम योजना और लोक निर्माण विभाग की 100 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट की समीक्षा भी की। वहीं मुख्यमंत्री ने मीटिंग में ये भी कहा कि राज्य के जलभराव वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक करने के लिए व्यापक स्तर पर योजनाएं अधिकारी तैयार करें, जिससे कि किसानों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। प्रशासनिक सचिवों के साथ प्रदेश हित में मुख्यमंत्री ने और कई अहम मुद्दों पर बात की। सभी क्षेत्रों में नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल सुलभ करवाने की व्यवस्था, किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने पर जोर, राजस्थान से आने वाले पानी को जगह जगह तालाब बनाकर रोकने की व्यवस्था। इसके साथ ही सरकार ने जनहित में जो कार्य मनोहर सरकार ने किए उसका भी जिक्र मुख्यमंत्री ने किया, जैसे गुरुग्राम मेवात फीडर कैनाल, जेएलएन फीडर की क्षमता बढ़ाना, हंसी ब्रांच की क्षमता बढ़ाने का कार्य। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार से चलाई जा रही सिंचाई एवं जल परियोजनाओं से भूजल संकट वाले क्षेत्रों में निजात मिलेगी और इंडस्ट्री के साथ ही किसान भाइयों को भी सिंचाई के लिए पानी सुलभ हो सकेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुनानगर में WJC कैनाल की रिमोडलिंग, करनाल में मुनक हेड से खुबडू तक कंक्रीट लिंक, गुरुग्राम वाटर सर्विस चैनल की रिमोडलिंग, गुरुग्राम के धनवापुर और बहरमपुर में STP की क्षमता बढ़ाना, फतेहाबाद के गोरखपुर वाटर कन्वेंस सिस्टम का विकास करना, झज्जर में जुआ ड्रेन के निर्माण कार्य करोड़ों रुपए की राशि से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाटर ट्रीटमेंट के लिए धनवापुर में 100 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा चंदू बुढ़ेड़ा में 100 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य जून माह में शुरू किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि फरीदाबाद के प्रतापगढ़ और मिर्जापुर में बनाए जाने वाले STP का 80% कार्य पूरा कर लिया गया है। साथ ही फरीदाबाद रोड से NH 48 गुरुग्राम तक 845 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से दक्षिण पेरिफेरल रोड का भी निर्माण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।